एक दौर था आप चारों कांग्रेस में थे और इन चार नेताओं को कह देख के कह सकते हैं कि एक वक्त ये चार नेता कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, अपने अपने वक्त में अपने अपने तरीके से राजनीति सियासत साधते रहने वाले शख्स, सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक बने, बहुत सारी ऐसी स्थितियां देखी। और आज से नहीं, जहां तक हमें याद है कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी के दौर से, यानी सोचिए कि गांधी परिवार की जो दूसरी पीढ़ी थी वहां से अगर कोई कांग्रेस के साथ जुटा रहा और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस से फिसलन होती चली गई, तो संकेत बहुत साफ है कांग्रेस ऐसे दौर में आकर खड़ी हो गई है जहां से उससे निकले हुए शख्स किसी भी राजनीतिक दल में जाने को तैयार है लेकिन वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहता है। वो कौन सी वजहें हो सकती हैं, किन वजहों से हो सकती है, क्या ये सियासत बिसात इस दौर में ऐसी जरूरत आ गई है? आप चारों के बगल में माइक है, आप प्लीज माइक ले लें। तो बड़ाना जी आपकी माइक इधर है, बीरेंद्र जी आपके बगल में माइक है, शुरुआत बीरेंद्र जी आप ही से कर रहे हैं जी। आपका कद, आपकी समझ, आपकी पकड़ और आप जिस तरीके से बीजेपी में शरीक हुए उसके बाद जो कुछ भी आपने कहा वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी ने सुना, लेकिन उन सब में से सिर्फ एक ही खुशबू आ रही थी, कांग्रेस ने दिया नहीं, मैंने बहुत दे दिया, अब मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको जो आप बीजेपी में आ गए? देखिए राजनीति में, राजनीति में जो भी हैं, हम कोई आराम के लिए तो आते नहीं, और जो राजनीति में उसकी अगर कोई चाहत ना हो तो उसका राजनीति में रहने का फायदा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक वाहन जो पॉलिटिकल व्हीकल है उससे बड़ा कोई वाहन नहीं जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। और सिर्फ अपने लिए राजनीति करना उसका कोई मायना नहीं है। तो इसलिए जहां आपको आउटिंग मिलती है इस किस्म की जो जिससे कि आप जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो पूरी हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। कोई विचारधारा मायने नहीं रखती है? विचारधारा किस राजनीतिक दल की? आप, मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैंने खुद देखा है कि लेफ्ट पार्टीज, सेंटर की पार्टी, राइटिस्ट पार्टीज, जब हम स्टूडेंट होते थे तो तीन तीन चार चार लाख लोग लेफ्ट पार्टीज की रैलीज में पार्टिसिपेट करते थे, महंगाई के खिलाफ, किसी इनजस्टिस के खिलाफ। आज जो भी राजनीतिक दल हैं इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए, ये बात उनको भी समझ आने लगी है कि राजनीति में और विचारधारा में एक ऐसा सामंजस्य जब तक कायम नहीं करेंगे हम किसी राज्य का या किसी देश का, इतने बड़े देश का, कि गवर्नेंस बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये कारण है कई। गांधी परिवार फेल हो चुका है? गांधी परिवार फेल हो चुका है? गांधी परिवार से गवर्नेंस का मतलब नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने कही थी कि देश का प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल अगर प्रधानमंत्री होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी जिनका कोई हल नजर नहीं आएगा, और यही हुआ। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, सभी मानते हैं, सभी दल मानते हैं, लेकिन एक राजनीतिक सोच की कमी की वजह से आज देश को भी ये महसूस हुआ और उसके परिणाम ये हुए कि देश की जनता ने कोलिशन जो कल्चर है उसको नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक स्पष्ट बहुमत देके एक नई व्यवस्था कायम की। बढ़ाना जी, ऐसा क्या लगा आपको कि चले चले उस दिशा में जिस दिशा का कभी विरोध किया था और दिल खोल के विरोध किया था? राजनीति में विरोध, हम एक मिनट बढ़ाना जी से जरा पूछ लें, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए मेरा सबसे पहला ये कहना है कि मैंने राजनीति में विरोध की राजनीति नहीं की कभी। आज मैं पूरे देश के सामने ये कह सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी में 25 बरस
एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जब लगा कि उस कांग्रेस में और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी थी कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं रहा था, न कांग्रेस वर्कर की बात सुनी जाती थी, न लीडर की बात सुनी जाती थी, सिवाय हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक हुड्डा जी के नाम से सीएलओ की मार्केट का सौदागर बन गया और उसके सिवाय चार दलालों के किसी की प्रदेश में कोई सुनाई नहीं होती थी। उसको लेकर हमने अपनी सोनिया जी को, हम सब काफ़ी बड़े नेताओं ने कई बार उनसे कहा कि हमारी बात सुनी जाए, वास्तविकता और सच्चाई को सुने। पर मुझे लगा कि हमें उम्मीद थी, काफ़ी दिन तक हम ये बात कहते रहे, लेकिन लास्ट मिनट में तब उन्होंने ये एंथनी कमेटी की रिपोर्ट पर, हम सब काफ़ी पार्टी के सीनियर बड़े 10 नेता मौजूद थे और सब ने एक मत से कहा था कि आज यहाँ कांग्रेस नहीं रह गई है, एक हुड्डा कांग्रेस बनकर सिमट गई है और हुड्डा के सिर्फ वो चार दलाल हैं जिन्होंने सिवाय घोटाले और सीएलओ के कारोबार किए हैं। विनोद शर्मा जी, आपकी तो पहचान ही बहुत यारी के साथ ली जाती रही हुड्डा जी के साथ, और बहुत ही मतलब एक ऐसी जोड़ी के तौर पर देखा जाता रहा कि ये दोनों शख्स तो जब चलते हैं एक साथ चलते हैं, कदम भी चलते हैं, दिल भी मिलते हैं। ऐसा क्या हो गया, छोड़ दिया साथ आपने? मुझे ये समझना जरूरी है कि पार्टी छोड़ने का मतलब क्या है। मैंने किसी व्यक्ति को और पार्टी को क्या आप एक समझते हैं? अगर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को छोड़ा या किसी व्यक्ति के कारण छोड़ी। मेरी समझ में जो कांग्रेस की नीतियां थी और जो पहले की नीतियां थी उनमें बहुत अंतर आया। लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं जो पार्टी से और पार्टी की सरकार से थी, पार्टी उनको पूरा नहीं कर सकी। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस से लोगों ने जो तवक्को रखी थी, जो लोग कांग्रेस से चाहते थे, जो गरीब आदमी, जो एक नौजवान जो चाहता था कि उसे उसकी लियाकत के रूप में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको नौकरी मिले, जो लायक है उसको नौकरी मिले, जब भेदभाव होने लगा नौकरियों में तो मेरा मन नहीं माना कि मैं कांग्रेस का साथ दूं। जब क्षेत्रवाद होने लगा कांग्रेस की तरफ से, मेरा मन नहीं माना कि मैं कांग्रेस का साथ दूं। कांग्रेस की सरकार चलाने वाला जो मुख्यमंत्री है, अगर उसके समय में कोई क्षेत्रवाद हुआ है, कोई भेदभाव हुआ है, नौकरियों में भेदभाव हुआ है, तो हम उसको जिम्मेदार तो मानेंगे ही, लेकिन पार्टी को भी पूरा जिम्मेदार मानेंगे। मैंने पार्टी के फोरम पर इस बात को उठाया कि ये गलत हो रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस बात को रखा। जब किसी ने बात नहीं सुनी तो मैंने महसूस किया कि अब पार्टी में डेमोक्रेटिक वेज खत्म हो चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं इस पार्टी को छोड़ूंगा। अरविंद शर्मा जी, ये बात बार बार निकल कर आती है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के भीतर जितनी बड़ी तादाद में दलितों की तादाद है, और ये माना जाता रहा जिस समय कांशीराम थे उस समय भी वो देखते थे पंजाब और हरियाणा को एक खास दृष्टि से। आपको लग रहा है कि बीएसपी उस रूप में प्रभावी है जिस सोच के साथ कांग्रेस हाशिए पर पड़े तबकों की तरफ देखती हुई थी या नहीं देख पाई, बीएसपी उस रूप में कहीं संभव है वो समाधान दे पाएगी? देखिए, बीएसपी के पास अपना एक आधार है और वो आधार भटका हुआ था, इकट्ठा नहीं हो रहा था, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आपकी कांग्रेस पार्टी, चौटाला पार्टी, सब पार्टियों ने लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ, सबके साथ धोखे की राजनीति की हमेशा। अब घोषणा पत्र देखो, पुलिंदा है घोषणाओं का, झूठों का पुलिंदा है, झूठों का, झूठी बातों का। जितनी बातें दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी करती थी, चुनाव में जाती है 36 बरादरी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी,
चुनाव के बाद कोई ध्यान नहीं दलितों का, कोई ध्यान नहीं गरीबों का। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जब उन्होंने घोषणा पत्र में बातें लिखी थी, सोनिया जी ने भी जब कहा कि 100-100 गज के प्लॉट देंगे, आज आप जाकर के ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने गरीबों के पास 100-100 गज के प्लॉट इन्होंने दिए हैं, कितनों के पास बीपीएल कार्ड हैं। और एक बात सबसे बड़ी उठ करके आती, हमें खुशी होती है किसानों के लिए ऋण माफी की जब बात आई, सरकार बढ़ते ही 2005 में किसानों का ऋण माफ किया 1600 करोड़ का, अभी गीता भुक्कल जी बता रही थी, बहुत खुशी की बात है। हमें फक्र होता है हरियाणा के किसान के ऊपर, हमें फक्र है। देश में अगर सबसे मजबूत किसान है तो पंजाब और हरियाणा का है। हमने बात रखी थी कि किसानों का जब लोन माफ कर रहे थे, गरीबों का भी 100-150 करोड़ का लोन था उस टाइम, उसको भी माफ कर दो। लेकिन बात इलेक्शन से पहले गरीबों की बात होगी, लेकिन उससे उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। और अब आकर के 10 साल के बाद ये सूद ली है, 154 करोड़ रुपए का जो लोन माफ किया है वो 10 साल के बाद गरीबों की सूद आई। सीएम बन के क्या करेंगे आप हरियाणा के लिए? मैं यही समझा रहा था कि सीएम बनने का मतलब ये नहीं है, 65 साल के आजादी के बाद जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक सबसे बड़ी एबरेशन ये आई है कि चीफ मिनिस्टर का जो पद है उसका पूरे तौर पे दुरुपयोग होता है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस उससे भी ज्यादा दुरुपयोगी है। ये स्थिति आज हम चारों, आपने कहा कांग्रेस से निकल के आए, दूसरे क्यों नहीं आ रहे? अवतार सिंह भड़ाना ने कोई गलत बात नहीं कही कि जो पर्सनल स्लेवरी है चीफ मिनिस्टर ऑफिस उसको प्रीच करता है। अब आप कहेंगे पर्सनल स्लेवरी क्या है? नहीं, ये हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो एब्सोल्यूट करप्ट करता है, हमें पता है। नहीं, और सीएम उसके कहीं ना कहीं न्यूक्लियस हो गया। अब नहीं, आप एक सीएम हाउस करप्शन का अड्डा होता है। ये मिस गवर्नेंस की जो बात आती है, हरियाणा की इस 9-10 साल की सरकार में सबसे बड़ा एक इल्जाम ये भी है कि गवर्नेंस नाम की चीज नहीं। ब्यूरोक्रेट क्या समझता है? वो 14 लोगों की कैबिनेट है, वो उन 14 की इज्जत नहीं करता, एक आदमी की इज्जत करता है, एक आदमी का हुक्म मानता है और ये समझता है कि मैं एक के सलाम करने से अगर मैं उसको खुश रख सकता हूं तो मुझे 13 लोगों की जरूरत नहीं है। ये जो सिस्टम, इंदर जी इतनी बड़ी बात जब आप कह रहे हैं तो ये ज्ञान आपको मोदी के सत्ता में आने के बाद ही क्यों प्राप्त हुआ? आपने किसको बोल दिया? पहले क्यों नहीं आपको प्राप्त हुआ? यही तो आपको गलतफहमी है। नहीं, आपको पहले नहीं, आप सुनिए, ऐसा मत बोलिए। नहीं तो ये पहले आपने क्यों नहीं कदम? मैं पिछले 4-5 साल से, और अगर मैं ये बेशक आज दूसरी पार्टी में ये इसके गवाह हैं अवतार सिंह भड़ाना कि हम श्रीमती सोनिया गांधी को बार बार हमने कहा, एक बार नहीं दर्जनों बार हमने कहा। एग्जैक्टली, जब सत्ता चली गई तब आप छोड़ दिया आपने साथ उनका, जब तक सत्ता थी तब तक आप कहते थे। अगर मैं जब तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे आप कहते थे। अब अगर आप खुद बताओ ना। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि पिछले साल मुझे सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बनने का न्योता मिला, चिट्ठी आई मुझे राष्ट्रपति भवन से और मुझे कहा गया कि आप 17 जून को हाजिर रहिए, 5 बजे ओथ होगी और 4 घंटे पहले मुझे यह सूचना दी जाती है कि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं मनमोहन सिंह जी कि सॉरी हो नहीं सका इस बार, और अगर मैं पार्टी छोड़ता तो उस वक्त छोड़ता।